तो हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूं कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग कैसे करें, वो भी स्टूडियो हाई क्वालिटी के साथ, म्यूजिक के साथ। इसमें म्यूजिक भी बना सकते हो आप, पियानो रोल भी है और अपना खुद का म्यूजिक आप क्रिएट कर सकते हो, बीट भी बना सकते हो, किक स्नेयर सब है इसके अंदर। तो वीडियो में पूरा बने रहेंगे तभी समझ में आएगा। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट से आप लोग को बताता हूं, और इस वीडियो का अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, प्ले स्टोर में आपको यहां पे सिंपली सर्च करना है बेंडल लैब, ठीक है। यहां पे आप सर्च करोगे ऐसा आ जाएगा, और आपको यहां से सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में इंस्टॉल है पहले से, इसको मैं कट करता हूं, सीधी सी बात है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। उसके बाद आपको बेंडल लैब पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहां पे आप क्लिक करोगे तो थोड़ा समय लेगा चालू होने में, तो वेट कर लो आप, ठीक है। और वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे तभी आपको समझ आएगा, ऐसा वीडियो आप लोगों को कोई बता नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों गूगल से है साइन इन करने के लिए, और फेसबुक से है, यहाँ पे नंबर से है, तो मैं सिंपली नंबर से यहाँ पे कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर डाल दोगे, उसके बाद थोड़ा सा समय लेगा, ज्यादा नहीं, और फटाफट से ये हो जाएगा अपने आप। वेरिफिकेशन इसका जो कोड है अपने आप ले लेगा, बस आपको करना क्या है, अलाउ कर देना। कुछ समय के बाद अभी आएगा यहाँ पे अलाउ, और आप यहाँ पे अलाउ कर देना तो अपने आप ये वेरिफिकेशन कर लेगा, ठीक है। तो ये चालू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ नीचे देखोगे यहाँ सब लोग अपना गाना डाले हुए हैं, अपलोड करते हैं, सबका प्रोफाइल रहता है। तो आपको सिंपल यहाँ पे जो प्लस का निशान है वहां पे आपको कर देना है, उसके बाद ओपन स्टूडियो पे क्लिक कर देना है रेड कलर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ कर दो, और हो सकता है मैं यहाँ पे जब रिकॉर्डिंग करूंगा तो आपको आवाज नहीं देगा, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में इसमें, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, जो देखो यहाँ पे वोकल है, गिटार है, बेस लूपर है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट है, सैंपलर है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस के निशान पे जब क्लिक करोगे, ये जो प्लस है, यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे देखो इम्पोर्ट फाइल है, इम्पोर्ट फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपके गैलरी में से जो आपने ट्रैक रखा है वहां से ले लेना, जो भी म्यूजिक है आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना चूज कर ले रहा हूँ, और ये आप डायरेक्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अपलोड मतलब हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, इसलिए अनेबल टू रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैं कुछ टाइम के लिए मैं इसको बंद करूंगा अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फिर से आपको सुनाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। तो ये आ गया, इसको आवाज सुन लो आप पहले। ठीक है, तो ये हो गया। आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, इस बार आपको लेना है वॉइस ऑडियो, जिसपे आपका वोकल रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले ट्रैक पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, 125 इसका बीपीएम है, और इसका जो की है, जो ऑटो ट्यून का की जो है, बी मेजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें फिर अपने वोकल वाले पे एफएक्स पे लगाएंगे, यहाँ पे एफएक्स पे लिखा हुआ है ना, तो ऑटो पिच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या था, बी मेजर था ना, बी मेजर पे अपने आप ये सेट हो गया है। अब यहाँ पे ऑटो ट्यून बंद है, अभी ऑफ है ना, तो यहाँ पे इसको इसे फुल कर लेंगे, ठीक है। देखो हाईएस्ट पे कर देना है, उसके बाद यहाँ से कट का निशान पे कट कर देना है। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, जैसे आपको दिखा सकूं, क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड करूंगा ये इसमें होगा नहीं। तो सब कुछ यहाँ से मैं सेट कर लिया हूँ, देखो, ठीक है। अब इस पे मैं डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी चालू करके इसका क्वालिटी भी सुनाता हूँ आप लोगों को। राजा नई हर में लहिकन के पहला पसंद, अजी जाई बजार बड़ाई करीबन। राजा नई हर में लहिकन के पहला पसंद, अजी जानी ल जाई बड़ाई करीबन। ना होखे कंट्रोल मान जाई डोल, और देखते ही मन हम डोले, कि सड़िया करिया ले ले आई हम बल मुआ नजरियो न लगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गया,
आप लोग को अभी यहां से सुनाता हूं डायरेक्ट, ठीक है। अब सुनाता हूं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दे रहा हूं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं, मैं इसको यहां से निकाल के भी सुनाता हूं आप लोग को, क्योंकि अभी ये हो गया है, ठीक है। तो सुनो आप। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त हुआ है। आपका जो ईयरफोन अच्छा रहना चाहिए, बाकी इसमें आप माइक्रोफोन भी लगा सकते हो, कॉलर माइक हुआ तो बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो जो ट्रैक के नीचे जो लिखा हुआ है एफएक्स ट्रैक 2, इस पर आप एफएक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको मिलेगा पोस्ट टोन स्वीटी, लेकिन ये नेट रहेगा तो आपका ये इफेक्ट खुलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे पंची रैप है तो पंची रैप पे अगर क्लिक कर देता हूँ, देखो फिर क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा भगा देता हूँ, थोड़ा इसको साफ कर देता हूं अभी आपको क्लियर। इसका जो एफएक्स में है इसका क्वालिटी मुझे सही नहीं लग रहा है जो, ठीक है। इसको मैं यहां से बदलता हूं और अभी सुनते देते हैं। थोड़ा सा इसका लिरिक्स मैं मतलब याद नहीं था, ठीक है, जैसे मैं से गा दिया, ठीक है। ठीक है, तो अभी इसमें और फीचर दिखा देता हूं आपको फटाफट से, ठीक है। तो यहां पे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको देखो यहां पे ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो आपको जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, तो आप देखो अभी क्या आएगा आपके पास। देखो वेंटेज हिप हॉप जो है ड्रम, इस पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर इस पे क्लिक करना है आपको। अब देखो अभी से थोड़ा सा देखो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप इस पे इसे बस इसको रिकॉर्ड कर लोगे ऐसे रिकॉर्ड पे। अब इसको अभी ये सब चल रहा है ना, इन लोग को हमको म्यूट करना है, ठीक है। तो यहां से आप म्यूट कर सकते हो, नीचे से आप देखोगे जो नीचे है, नीचे आप जो आपका जो इक्वलाइजर का है इस पे ऐसे क्लिक करके दोनों को म्यूट कर दो। अब देखो अभी जो है इस पे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब इसको रिकॉर्डिंग चालू करूंगा फिर इस पर थोड़ा सा बजा के दिखाता हूं। ठीक है, इतना ही कर देते हैं। अब देख सकते हो आप यहां पे, ठीक है, अब इसको प्ले करता हूं, सुनो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, दोनों दिखा रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस आइकन पे फिर क्लिक करेंगे, उसके बाद वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है, और उसके बाद यहां पे हम लोग एक पियानो लेंगे, ठीक है, नहीं तो सिंथेसाइजर वगैरह लेते हैं, ठीक है, गिटार ले लेते हैं। यहां पे नीचे जिस पे आप क्लिक करोगे तो
एक सेकंड भी, 2 सेकंड लगेगा, डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, अब इस पर क्लिक कर देंगे। इसको थोड़ा सा उसके साथ बीट के साथ फिर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ बस, आप अगर अच्छे से मैं करूँ तो बढ़िया से होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा भाई, म्यूजिक बनाने तो थोड़ा टाइम लग गया। अगर आप स्केल अच्छे से जान रहे हो, म्यूजिक का थियरी समझ में आ रहा है आपको, तो अच्छे से आप करोगे तो बढ़िया होगा इसमें। ठीक है, अब सुनो, ठीक है दोस्तों, तो इस पे आप कवर सॉन्ग बना सकते हो, कोट लगा के बीट छोटा छोटा बना के बढ़िया से। एक मैं इसके बाद भी वीडियो लाऊंगा बढ़िया से, अच्छे से आपको समझाने के लिए कि आपका कवर सॉन्ग पे कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी मैं वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे तमाम वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छी वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ, तो इजाजत दीजिए, बाय बाय।